सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल में समग्र छत्तीसगढ़ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इससे जुड़े और वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के नवीनतम जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इसका इतिहास क्या है, इस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या भौगोलिक बदलाव आया है 28वां जिला बनाने के बाद, और भी इसके क्या क्या तथ्य है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, इसमें इन फ्यूचर छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको एक या दो नंबर से क्वेश्चन सीजीपीएससी व्यापम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक समाचार पत्र था, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कहा जाता है। इसका प्रकाशन पेंड्रा रोड से 1900 में पंडित माधवराव सप्रे जी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नवीनतम जिला की घोषणा कब किया गया, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो इसकी घोषणा छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त 2019 को किया तथा यह राजपत्र में 30 दिसंबर 2019 को प्रकाशित हुआ। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ था, तो इसको आप लोग याद रखें। और यह अस्तित्व में कब आया, तो 10 फरवरी 2020 से यह अस्तित्व में आया और छत्तीसगढ़ का 28वां जिला बन गया। इससे पहले रमन सरकार ने 2012 में जिलों की घोषणा की थी, उसके बाद ये हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही भूपेश सरकार के मंत्रिमंडल ने इसको 28वां जिला बनाया है। तो 27वां नंबर का जिला आप लोग याद रखिएगा, मुंगेली है और ये 28वां नंबर का जिला है। मैप में देखते हैं तो यहाँ देखिए, ये खोंडी खोंसरा पहाड़ है, यहाँ से अरपा नदी का उद्गम हुआ है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जिसका आगे हम लोग और डिटेल देखेंगे। और अचानक मार अभ्यारण का कुछ क्षेत्र इस ज़िले के अंतर्गत आता है। खारंग नदी भी गुजरी है और यहाँ के और एक प्रमुख नदी है सोन नदी। तो और आइए और आगे बढ़ते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं कि चारों दिशाओं में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उत्तर में मनेंद्रगढ़ तहसील, दक्षिण में कोटा व लोरमी तहसील, पूर्व में कटघोरा तथा पश्चिम में अनूपपुर, मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिला, जिसमें सुहागपुर और पुष्पराजगढ़ तहसील से घिरा हुआ है, अर्थात चारों ओर से यह घिरा हुआ है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। परिचय देखते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका 2307.39 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है तथा इसका मातृ जिला बिलासपुर है, क्योंकि इसको बिलासपुर से काट कर अलग किया गया है। याद रखिएगा, बिलासपुर से काट कर अलग किया गया है। इसके सीमावर्ती जिला कौन कौन से हैं, तो बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया तथा कोरबा। याद रखिएगा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरिया तथा कोरबा। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो जो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ 33,64,020 जनसंख्या है, जिसमें सर्वाधिक लगभग 57% के आसपास आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और यह कौन सी विधानसभा सीट में आती है, तो मरवाही विधानसभा सीट में आती है, जहाँ पे अनुसूचित जनजाति सीट है। यहाँ कुल तहसील 3 है, तहसील और विकास खंड 3 है, जिसमें गौरेला, पेंड्रा और मरवाही आते हैं। यह जनपद पंचायत देखते हैं, तो इसमें भी इनकी संख्या 3 है, जिसमें गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ही आते हैं। यहाँ पे 162 ग्राम पंचायत है, जिसमें 225 गांव संलग्न है। तथा नगर पंचायत की बात करें, तो 2 नगर पंचायत है, जिसमें गौरेला और पेंड्रा रोड प्रमुख है। यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे 2 प्रमुख नदियाँ हैं, अरपा नदी और सोन नदी। तो अरपा नदी का आप सभी को पता है कि अरपा नदी महानदी की सहायक नदी है, जिसका उद्गम गौरेला, पेंड्रा रोड, मरवाही जिला में पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित खोंडरी खोंगसरा
से हुआ है। याद रखिएगा, पेंड्रा लोरमी पठार में खोंडी खोंगसारा नामक चोटी से इसका उद्गम हुआ है। वही सोन नदी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम पेंड्रा रोड तहसील के बंजारी पहाड़ी से हुआ है। याद रखिएगा, बंजारी पहाड़ी से। यहाँ निम्न प्रमुख पर्यटन केंद्र है। कबीर चबूतरा अमरकंटक जाने वाले रास्ते पर मौजूद है। यह महान संत कबीर और गुरु नानक की मुलाकात हुई थी। याद रखिए, यहाँ पर महान संत कबीर और गुरु नानक की मुलाकात हुई थी। उनके बीच यहाँ गहरी मंत्रणा भी हुई। यही कारण है कि यह जगह धार्मिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जलेश्वर धाम पेंड्रा अमरकंटक रास्ते में जलेश्वर धाम स्थित है। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सावन में यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त पैदल ही जल चढ़ाने आते हैं। यहाँ एक प्राकृतिक कुंड भी आकर्षण का केंद्र है। तो याद रखिए, जलेश्वर धाम यहाँ पर स्थित है, कबीर चबूतरा स्थित है, लक्ष्मण धारा स्थित है। जिस लक्ष्मण धारा देखते हैं, केवची के पास मौजूद लक्ष्मण धारा आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ साल भर पानी रहता है। ठीक है, तो ये प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आप याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही ज़िले में कौन से पर्यटन स्थल मौजूद है। झोझा जलप्रपात गौरेला ब्लॉक के अंतिम छोर में मौजूद झोझा जलप्रपात इस क्षेत्र का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ दिसंबर जनवरी तक 100 फीट से अधिक ऊंचाई से झरने के रूप में पानी गिरता है। झोझा जलप्रपात पेंड्रा से 35 बस्ती बगरा मुख्य मार्ग पर झोझा ग्राम में स्थित है। याद रखिए, यह झोझा ग्राम में स्थित है झोझा जलप्रपात। इस जलप्रपात तक जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए करीब 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल ही चलना पड़ता है। धनपुरी पर्यटन स्थल पेंड्रा सिवनी मार्ग में मौजूद इस जगह में प्राचीन कलाकृति लोगों के आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि अज्ञातवास के कारण पांडव इसी जगह में रुके थे। दोस्तों, इसको CGPSC मेंस में भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि पांडव इस जगह में अपने अज्ञातवास के दौरान रुके हुए थे। यहाँ पे प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ भी मौजूद हैं। रजमेरगढ़ अमरकंटक की पहाड़ियों के ऊपर बेहद मनोरम जगह है। तो दोस्तों, रजमेरगढ़, धनपुरी, कबीर चबूतरा, जलेश्वर धाम, लक्ष्मण धारा और झोझा जलप्रपात यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसको आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आगे देखते हैं भौगोलिक परिवर्तन क्या क्या हुआ है नवीनतम जिला बनाने के बाद। पहले जिलों की संख्या 27 थी, जो अब 28 हो गई है। भू अवस्थित जिला अब पहले 9 थी, जो अब 10 हो गई है, क्योंकि बिलासपुर भी अब भू अवस्थित जिला बन गया है। भू अवस्थित अर्थात जिसकी मतलब कि जो जिला किसी भी अन्य जिला या फिर किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती तथा जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती, उसे भू अवस्थित प्रदेश या फिर जिला बोला जाता है। अब बलौदाबाजार एवं कोरबा जिले ऐसे जिले होंगे जो 7 जिलों से संलग्न होंगे। याद रखिएगा, अब जो बलौदाबाजार और कोरबा है वो 7 जिलों से संलग्न होंगे। इसके निर्माण के बाद लोकसभा चुनाव के दौरान मरवाही क्षेत्र कोरबा लोकसभा क्षेत्र में ही आएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसकी अन्य विशेषताओं में देखते हैं तो यहाँ पे पहुँच मार्ग रेल परिवहन सुविधा है। यहाँ पे कड़प्पाक्रम के चट्टान पाए जाते हैं। यहाँ पे साल और सागौन प्रमुखता से पाए जाते हैं। मरवाही वनमंडल में सफ़ेद भालू पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र है। और यहाँ की प्रमुख अनुसूचित जनजाति अघरिया और बैगा है। ठीक है, जिले की सर्वोच्च चोटी पालमागढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। यहाँ की प्रमुख मिट्टी लाल पीली मिट्टी मटासी मिट्टी है। यहाँ पे जामवंत वन परियोजना संचालित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से मुझे ग्रुप में ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वही प्रशासनिक परिवर्तन में देखते हैं तो इस ज़िले का
प्रथम कलेक्टर होने का गौरव श्रीमती शिखा राजपूत जी को प्राप्त हुआ है, वही प्रथम पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह जी को बनाया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर ग्राम सेमरा के गुरुकुल भवन को जिला मुख्यालय एवं गोडवाना भवन को एसपी कार्यालय अस्थायी तौर पर बनाया गया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में 17 करोड़ की लागत से मरवाही में जिला मुख्यालय भवन निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। दोस्तों, मैंने अपने छत्तीसगढ़ के बजट वाले वीडियो लेक्चर में इस पॉइंट को बता रखा है। आप लोग उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पहले छत्तीसगढ़ के बजट के वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हम इसमें छत्तीसगढ़ विषय में टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।